कितने रुपए करके शर्ट? 150। ये 150 रुपए करके शर्ट यहाँ मिल रहे हैं, जो बाजार में 300, 400, 500 रुपए करके मिलते हैं। कितने करके है चाचा? 100 का दो है। ये 100 रुपए का दो फ्रॉक यहाँ मिल रहा है, बच्चे का फ्रॉक आप देख सकते हैं। ये जूते 250 रुपए करके, ट्वेल पैंट भी है, और ये 150 रुपए करके यहाँ मिल रहे हैं। रुपए करके पर्स, ये सारे पर्स 100 रुपए करके, तो 400 रुपए करके यहाँ जैकेट्स मिल रही है सारे। यहाँ पर 250, 200 और 300 रुपए करके जींस मिल रहा है। यहाँ 200 रुपए करके आपको यहाँ बैग्स मिल रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं चांदनी चौक, और चांदनी चौक पहुंचकर हम चांदनी चौक के आसपास जितनी भी स्ट्रीट मार्केट है उन सभी स्ट्रीट मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही जमा मस्जिद के आसपास जितनी भी बाजारें हैं उन सभी बाजारों को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चांदनी चौक जाने के लिए हमें सबसे पहले आना होगा मेट्रो स्टेशन, तो हम इस वक्त आ चुके हैं छतरपुर मेट्रो रेलवे स्टेशन में। यहाँ से हम सीधे चलते हैं चांदनी चौक, और वहाँ पहुंचकर हम सभी मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, और फिर हम आपको इस ब्लॉग में दिखाते हैं कि वहाँ का मार्केट कैसा है। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस वक्त हम आ चुके हैं मेट्रो प्लेटफॉर्म पर, और हमारी जो मेट्रो है वो कुछ ही देर में आने वाली है। फिर हम मेट्रो में बैठते हैं, फिर यहाँ से हम सीधे चलते हैं चांदनी चौक, और चांदनी चौक को भी हम आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे, और वहाँ की जितनी भी स्ट्रीट मार्केट है उन सभी को भी दिखाएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए अंदर। सो गाइस, इस वक्त हम बैठ चुके हैं मेट्रो में, और यहाँ से चांदनी चौक पहुँचने में हमें लगभग 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा। तो हम चांदनी चौक पहुँचते हैं, फिर हम आपको आगे का सीन दिखाते हैं। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस वक्त चांदनी चौक में, और हमने मेट्रो लिया था छतरपुर से, और वहां से चांदनी चौक का जो डिस्टेंस है वो लगभग 25 किलोमीटर का है, और जो फेयर आया हमें वो 40 रुपीज़ का आया, और हमें जो टाइमिंग लगा वो लगभग 25 मिनट का टाइम लगा। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक में, और जो ये आप व्यू देख रहे हैं मेरे पीछे, ये चांदनी चौक का व्यू है। आज से कुछ साल पहले, जो कि यूँ कहें कि 2 साल पहले, यहाँ का जो सीन था कुछ अलग ही था, लेकिन अभी का यहाँ का सीन बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि इस चांदनी चौक को काफ़ी मॉडिफाई कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जो व्हीकल है 3 व्हीलर या 4 व्हीलर, उनका यहाँ पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है यहाँ इस एरिया में। और यहाँ पर जो टोटो या ई रिक्शा या फिर रिक्शा या फिर पैदल यात्री यहाँ पर चल सकते हैं। और यहाँ काफ़ी मॉडिफाई करने के बाद ये चांदनी चौक पहले से कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हो चुका है। और यहाँ पर जितनी भी आप देख सकते हैं मेरे आसपास बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन हमें स्ट्रीट मार्केट को एक्सप्लोर करना है। इसके लिए हमें जाना होगा जमा मस्जिद के साइड वाले मार्केट में। तो हम इस वक्त पैदल वहीं चल रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें लगभग 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो हम वहाँ पहले पहुँचते हैं, फिर हम आपको आगे का फिर सीन दिखाते हैं। सो गाइस, इस वक्त हम हैं साइकिल मार्केट में। ये साइकिल मार्केट दिल्ली का बहुत ही फेमस मार्केट है, जो कि चांदनी चौक में ही मौजूद है, और इसी रास्ते से हम जामा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। और यह है चांदनी चौक के साइकिल मार्केट में साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, और भारत के कोने कोने तक यहाँ से साइकिल पहुँचाई जाती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वेलकम टू जामा मस्जिद
कॉटन मार्केट का ये बोर्ड लगा है और हम अंदर जाते हैं, फिर एक्सप्लोर करते हैं मस्जिद के आसपास जितनी मार्केटें हैं उन सभी मार्केटों को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। तो गाइस मार्केट में एंटर करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर फुटपाथ पर कितनी सारी दुकानें हैं और यहाँ पर कितनी बेहतरीन कलेक्शनें हैं शर्ट्स की और टी शर्ट्स की। ये सारी शर्ट और टी शर्ट जो है 100 रुपये करके यहाँ मिल रही है। तो चलिए हम अंदर और चलते हैं, अंदर की और जो भी चीज़ एक्सप्लोर करने लायक है उन सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम चांदनी चौक से राइट निकल कर साइकिल मंडी होते हुए जमा मस्जिद जाने वाले रास्ते में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ आसपास जितनी भी दुकानें हैं ये जमा मस्जिद के पास की ही दुकान है। इसे मीना बाज़ार भी कहा जाता है और आप देख सकते हैं ब्लैंकेट, बेहतरीन बेहतरीन ब्लैंकेट्स का कलेक्शन यहाँ आपको मिलेगा। ये सारी ब्लैंकेट्स आपको अपने शहर में भी मिल सकती है लेकिन यहाँ का जो प्राइस है गाइस वो आपको बहुत ही किफ़ायती प्राइस है। और आप देख सकते हैं इस वक्त सारी दुकानें में ब्लैंकेट्स, इधर भी देखें तो आपको ब्लैंकेट्स, तोशक और रज़ाई जैसी चीज़ें मिल रही है। और गाइस यहाँ पर आपको बैग की दुकानें मिल रही है, ज़्यादातर जगहों पर ब्लैंकेट्स और कंबले मिल रही है। ब्लैंकेट्स जो है 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक भी मिलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक से बढ़कर एक जानमाज की कलेक्शन है और यहाँ पर आपको नमाज़ पढ़ने के लिए चटाइयाँ भी मिलती है। तो गाइस हम इस वक्त आ चुके हैं जमा मस्जिद के बिल्कुल सामने। सो गाइस वेलकम टू कॉटन मार्केट का जहाँ बोर्ड आपने देखा था वहाँ से लेकर यहाँ तक अभी जो हम आए यहाँ पर सारे दुकानों पे अभी कंबल और रजाई तोशक जैसी चीज़ें मिल रही है क्योंकि अभी विंटर का सीज़न चल रहा है तो विंटर से रिलेटेड सामानें मिल रही है। और हम आ चुके हैं जमा मस्जिद के बिल्कुल सामने। तो जमा मस्जिद के सामने हम जाते हैं और वहाँ जो भी बाज़ार है, वहाँ जो मार्केट है स्ट्रीट मार्केट और जिसे मीना बाज़ार भी कहते हैं, उन सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। गेट नंबर 9 है और इधर जो है बाहर जाने का रास्ता है। हम इस रास्ते से आए हैं और इधर जाएंगे। तो गाइस इस वक्त हम आ चुके हैं बिल्कुल जमा मस्जिद के सामने में और मेरे सामने बिल्कुल जमा मस्जिद है। आपको मैं दिखा दूं, इधर आप देख सकते हैं जमा मस्जिद बिल्कुल सामने है मेरे। और जमा मस्जिद के बाहर जितनी भी बड़ी मार्केटें हैं यहाँ पर मीना बाज़ार जो कि यहाँ का एक बहुत बड़ा मार्केट है उसे भी हम एक्सप्लोर करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जमा मस्जिद सामने है और जमा मस्जिद के सामने ही बहुत बड़ी बाज़ारें यहाँ लगती है, इसे मीना बाज़ार कहते हैं। और मीना बाज़ार बहुत पुराना बाज़ार है, यहाँ जूते का कलेक्शन एक से एक बढ़कर एक, ये बैग की दुकानें हैं यहाँ पर, चप्पलों की दुकानें हैं। चप्पल की बात करें तो यहाँ पर जितनी भी चप्पलें आप देख रहे हैं सारे 100 रुपये करके चप्पल यहाँ मिल रही है। और बैग देख रहे हैं, ये लेडीज़ पर्स है, ये सारे लेडीज़ पर्स जो है 100 रुपये करके यहाँ पर मिल रहे हैं। सामने जमा मस्जिद और जमा मस्जिद के बाहर ये दुकानें और ये जूते देख रहे हैं आप, ये सारे जूते सारे 300 रुपये करके आपको मिलेंगे। तो और भी बड़ी मार्केट है अंदर, हम सभी को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मोबाइल एक्सेसरीज से रिलेटेड जितनी भी गैजेट होती हैं सारी गैजेट यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक रेट में मिल रहा है। और यहाँ आप देखें तो जूते का कलेक्शन यहाँ फिर से आपको देखने को मिल रहा है, सारे जूते 300 रुपये करके मिल रहे हैं। तो गाइस इस वक्त हम हैं जमा मस्जिद के बिल्कुल सामने और जमा मस्जिद के सामने जो है मीना बाज़ार में हम इस वक्त आ चुके हैं। और मीना बाज़ार जो है बहुत ही पुराना दिल्ली का बाज़ार और यहाँ पर हर एक चीज़ आपकी ज़रूरत के सामान मिलेगी। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर जूते मिल रहे हैं, जूते का एक से एक कलेक्शन है, बच्चों के कपड़े हैं, घड़ी है, बैग है और जो है कपड़े, शर्ट्स एंड पैंट्स सारे चीज़ यहाँ अवेलेबल है और बहुत ही कम रेट में यहाँ अवेलेबल है। तो हम इस मीना बाज़ार को एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ कौन कौन सी चीज़ें मिल रही है और कौन कौन सी दामों में मिल रही है उसे भी हम
बताते हैं। ₹1000 करके जैकेट्स ही है अलग-अलग रेट के साथ, जैसे कि बताइए ये वाले कितने के? तो गाइस आप ये देख सकते हैं, ये जो जैकेट आप देख रहे हैं ठंड की जैकेट्स यहाँ मिल रही है, तो ₹400 करके यहाँ जैकेट्स मिल रही है। सारे जो है अलग अलग रेट के हैं, 400, 450, 500 वाले भी जैकेट हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं भाई का ये जो है कपड़े का दुकान है, यहाँ पर जीन्स और शर्ट्स और टी शर्ट्स भी अवेलेबल है। तो भाई कौन कितने रुपए करके जीन्स यहाँ दे रहे हो? 300। तो गाइज आप देख सकते हैं जो मार्केट में आपको 600, 700, 800 रुपए करके जीन्स मिलता है, यहाँ पर 250, 200 और 300 रुपए करके जीन्स मिल रहा है। यहाँ पर सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि आपको जो साइज़ चाहिए 28, 30, 32, 34 सारे साइज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और बैग की बात करें तो कितने रुपए करके बैग? ये सारे बैग्स देख रहे हैं, ये सारे बैग जो है 200 रुपए करके, ये आप इसे मॉल में लेंगे सारे बैग्स को तो 1500, 1600 या 800, 1000 रुपए तक बैग आएगा। या मात्र 200 रुपए करके आपको यहाँ बैग्स मिल रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जूते का कलेक्शन है, कितने रुपए करके जूते? 350 रुपए करके यहाँ जूते आपको मिल रहे हैं। ये जूते आपको बाजार में जो 700, 800 रुपए करके मिल जाएंगे, 1000 रुपए करके मिलेंगे, यहाँ पर आपको 350 रुपए करके। ऑनलाइन भी देखते हैं तो ऑनलाइन भी 450-500 का आता है यहाँ पर, हाँ 450-500 में ऑनलाइन भी आपको मिलता है। यहाँ पर आपको मात्र 350 रुपए में हर एक साइज का साइज सभी मिल जाएंगे, 7, 6 से लेकर 10 तक के साइज का आपको यहाँ पर जूते का कलेक्शन मिलेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर घर पे सजाने के लिए जो है तस्वीर मिल रही है, आयते हैं और माशाल्लाह कुल है और घड़ी है, कलमे से बना आयत है, तो इसे आप घर पर लगा सकते हैं। ये वाले आयत ये 700 रुपये का है, ये 700 रुपये का है, 400-500 रुपये तक भी आते हैं। तो गाइस घर पे सजाने के लिए आप यहाँ पर जो आयते हैं कुल है वो हदिया देकर ले सकते हैं। बेहतरीन ट्राउज़र का कलेक्शन है, कितने रुपए करके ट्राउज़र? 150 रुपये करके यहाँ ट्राउज़र मिल रहा है। लुंगियाँ भी मिल रही है मीना बाज़ार में, जानामाज भी मिल रहा है। तो गाइस मैंने आपको एक्सप्लोर कराया दिल्ली का मीना बाज़ार को, और अब हम मीना बाज़ार से बाहर की ओर जा रहे हैं, और बाहर की ओर जाते हुए हम मीना बाज़ार की जितनी भी सारी दुकानें थी यहाँ सारी दुकानों को एक्सप्लोर कराया। ऐसे तो यहाँ पर बहुत बड़ा ये बाज़ार है, जितना एक्सप्लोर करें उतना कम पड़ जाएगा, तो जितना हो सका हमसे हमने इसको एक्सप्लोर किया और आपको दिखाया। तो गाइस इस वीडियो का लेंथ लंबा हो जाने की वजह से इस वीडियो को यहीं पर एंड करना पड़ रहा है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसका सेकंड पार्ट जब भी अपलोड हो तो आप तक ये वीडियो पहुँच सके। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं हम आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।